एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिवाइड 32 इनटू 4 पार्ट्स व्हिच आर इन एबी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या है, डिवाइड 32 इनटू 4 पार्ट्स व्हिच आर इन एबी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 4 पार्ट्स एबी का, लेट द फोर पार्ट्स आर इन ए बी। क्या होंगे फोर पार्ट्स, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये हमें याद रखना है, जब भी फोर पार्ट्स की बात होगी तो फोर मतलब इवन नंबर चल रहा है, तो इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, इवन। तो जब हम इनको माइनस करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 2d। ऐसे ही जब हम थ्री टर्म्स के लिए मतलब थ्री पार्ट्स के लिए हम एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या रहती थी, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। जब इनका कॉमन डिफरेंस निकालते थे तो वो निकलता था डी। यहाँ पे हम फोर पार्ट्स की बात करें, इवन की बात करें तो कॉमन डिफरेंस भी क्या है, इवन। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, सम करते हैं, इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 32। सम ऑफ फोर पार्ट्स इज इक्वल टू 32। ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या कैंसिल हो सकता है, माइनस का 3d प्लस का 3d कैंसिल, माइनस का d प्लस का d कैंसिल। अब यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, a प्लस a प्लस a प्लस a, कितने हो गए 4a इज इक्वल टू 32। 4 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई का, तो क्या हो जाएगा 32 बाय 4, 4 8 जा 32, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मतलब a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स का प्रोडक्ट a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 7:15, 7/15। अब ये हमें आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी a माइनस बी की, तो क्या लगाएंगे हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3d का होल स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 7/15। ए स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, 3×3=9d² होल के अपॉन में ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 8, a 8 को हम यहाँ प्लेस कर देते, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d² अपॉन में 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 96 माइनस 15 9 जा 135d² इक्वल, अब 7 में 64 और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 7 6 जा 42 2 44 माइनस 7 × d² 7d². अब इसको अरेंज कर लेते हैं, यहां पर है 960 448 माइनस में आ जाएगा, 960 माइनस 448 इक्वल माइनस का 7d², ये माइनस में माइनस का इक्वल में गया प्लस का 135d² 960 माइनस 448 करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गया 5 इज इक्वल टू,
135 माइनस 7 करेंगे, 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, मतलब 128 डी स्क्वायर 128 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाय 128। अब ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये 4 से डिविजिबल है दोनों, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा, 8 4 जा 32। डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4, डी स्क्वायर इक्वल टू 4। जब हम इसको स्क्वायर रूट लगाएंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। अब हमारे पास a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है प्लस माइनस 2। हम a और d की वैल्यू पुट करते हैं, हमें 4 टर्म्स फाइंड करना है। यहाँ पे 4 टर्म्स हमारे पास क्या है, a माइनस 3d, a माइनस b, a प्लस b, a प्लस 3d। a माइनस 3d, a क्या है 8 और d क्या है 2, 8 माइनस 3 इंटू 2, फिर a माइनस b, 8 माइनस 2, a प्लस b, 8 प्लस 2 और a प्लस 3d, 8 प्लस 3 इंटू 2। तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10 और 6 और 8 40। वैल्यूज क्या है हमारे पास, 2 8 2 6 10 और 40। वैसे ही हम वैल्यू यहां पे डी अगर नेगेटिव लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस 3d। वैल्यू अगर माइनस 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 14। ये रिजल्ट आएगी सेम रिवर्स में। फिर a माइनस d, 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 8 प्लस 2 10, a प्लस d, 8 माइनस 2 6 और a प्लस 3d, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2। तो वैल्यूज क्या आई, 14 10 6 और 2। जब हमने a के वैल्यू को 8 और d के वैल्यू को 2 पुट करा तो हमारे पास वैल्यूज आई 2 6 10 और 14। जब हमने a की वैल्यू को 8 और d की वैल्यू को -2 पुट करा तो हमारे पास वैल्यूज क्या आई, 14 10 6 और 2। यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।